मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई, फिर हिम्मत कर ली? खुदा हाफिज कह के जाना चाहता था। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है आपसे, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपको मुझसे बहुत ज्यादा शिकायत है, सो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, पैसे की कोई फिक्र कदर है या नहीं है? पैसा ना दरख्तों पे नहीं उगता बीबी, मेहनत करके कमाया जाता है। बेटियां अपने ससुराल में जाकर पहले वहाँ रहने वालों का दिल जीतती हैं, फिर अपनी और अपने घर वालों की इज्जत कराती हैं। तुम टीचर तो बन गई, मगर ये सबक तुमने कब नहीं पढ़ा? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अच्छा बस मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, जाओ जाकर नादों को देखो। मैं नहीं जा रही अम्मा, और आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप उनसे नाराज हैं तो छोड़ दो उनको, उनके हाथ में वो मरे या जिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो तुम? अगर इतनी फिक्र है तो देख के चले जाए ना। आप ही तो कहती है अम्मी कि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ देख के परेशान हो जाती है। अम्मी कब तक ऐसे चलेगा बताएं? खुदा के वास्ते रानी, जाओ जाकर देखो नादों को, दो घंटे से कमरा बंद किए हुए पड़ी है, ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। अच्छा मियां परेशान मत हो, मैं देखकर आती हूँ। क्या हुआ? वो बच्चियां सो रही हैं। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करती है, जिद कर कर के जॉब की है उसने, और अब इतना थक जाती है कि तबीयत खराब हो गई उसकी। पता नहीं कब हमारी मुसीबतें खत्म होंगी। या अल्लाह क्या करूं। चल अच्छा पढ़ने बैठ। अम्मी ये मुझे मेरी सैलरी मिली थी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे इन चंद पैसों के आश्रय में बैठी हुई हूँ? अरे लानत भेजती हूँ मैं इन पैसों पर, जो औलाद को खुद सर बना दे। अच्छी भली थी तुम, नौकरी क्या करने लगी, मेरी माँ बनने लगी हो? अम्मी इसलिए तो नौकरी नहीं की थी मैंने। जिसलिए भी की हो, बेटी हो बेटी बनकर रहो, बेटा बनने की कोशिश मत करो। ठीक कहते हैं लोग, बेटियों को घर से बाहर कदम नहीं निकालने देना चाहिए। नुमान को देखो, सीखो उससे कुछ। अरे कभी की है उसने अपनी मर्जी? तुम्हें तो अभी सिर्फ एक महीना हुआ है नौकरी करते हुए, और अपने फैसले खुद करने लगी हो तुम। अगर अपने माँ बाप और घर वालों की इज्जत का जरा भी ख्याल होता ना तुम्हें, तो वो ना करती जो तुमने वासिल के साथ किया है। जिंदगी में अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया मैंने। अरे मैं मर क्यों नहीं गई ये दिन देखने से पहले? मैं 20 दिन हो गए आपने मुझसे बात नहीं की, आप जानती हैं मैं कितनी परेशान हूँ। और मैं सालों से कितनी परेशान हूँ जानती हो तुम? जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? मैं इतनी बीमार थी, आप मुझे एक दफा भी देखने नहीं आई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ऐसा भी कभी नहीं हुआ जो तुमने अब करके दिखाया है। अम्मी मुझसे मेरे घर वालों की आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। अच्छा वासिल को घर से निकाल कर बड़ी इज्जत बढ़ा दी तुमने हमारी,
अब बैठी रहना इसी घर में मेरे सीने का बोझ बनकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा भी कह सकती हैं। और मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम अपनी अना में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दोगी। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, एक बार माफ कर दे। कभी नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं। और मेरी जन्नत तो ना हराम करें। अम्मी आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। कल ही वासिल को बुलाती हूँ, बल्कि खुद चली जाऊंगी उसके घर। अम्मी फटा पीछे। खैरू। जी साहब जी। खैरू, इस घर का तुमने खास ख्याल रखना। मेरे वालिद साहब की बहुत ज्यादा निशानियां और बहुत सारी यादें हैं इस घर में। साहब जी आप बेफिक्र हो जाओ, अब ध्यान से जाओ, बस अल्लाह आपको खुश रखे। किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हो मुझे फोन करना, तुम्हारी तनख्वाह हम टाइम पे पहुँचाते रहेंगे। ठीक है? ठीक है साहब जी। ये भी मेरा ही घर है, मैं अपनी जान भी लगा दूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हाँ खैरू, ख्याल रखना। अल्लाह ताला, कोई भी बात हो हमें फोन कर देना। अम्मा दुआ करना अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अम्मी कहीं जा रही हैं? नहीं बेटा, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, वो कुछ पैसे चाहिए थे, एक बुक लेनी। अच्छा, नादो को कल ही सैलरी मिली थी, उसने दिए। अच्छी बजिया के पैसे नहीं लूंगा मैं। अच्छा नहीं लोगे तो जाओ फिर, जहां से मर्जी ले लो जाकर, चोरी करो, डाका डालो। अम्मी सोचो ना बेटा, तुम्हारे भाई को नौकरी भी नहीं मिली है अभी, ये पैसे भी गनीमत हैं, अगर नहीं होते तो हम क्या करते। हर तो गई, हर कोई अपनी मर्जी और अना को गले लगाए फिरता। और ना दो, तुम्हें भी अगर अपने माँ बाप की इज्जत का और अपने घर वालों की इज्जत की परवाह होती तो तुम कभी ऐसा ना करती। कौन बाबा? जी बीबी जी, वो मैं शगुफ्ता और वासिल से मिलने आई हूँ। बीबी जी वो तो कल सुबह की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन चले गए। क्या? जी बीबी जी, लंदन चले गए। जी। अच्छा नादिया, अम्मी अम्मी अच्छी बजी, अब तक घड़ियां ही 3 बज गए हैं। कहां मर गए कम वक्त है? ना करे अम्मी, कैसी बातें करने लगी आप अच्छी बजे के लिए? वही नाजी के पास बैठी हुई होगी, देख कर आती हूँ मैं।
तानी कहाँ रह गई अच्छी बच्ची? घर आ जाएं। क्या करना है अभी? तुम गुड्डू के साथ स्कूल के रास्ते में जाओ, मैं नहीं भी साथ गाड़ी पे निकलता हूँ। ठीक है, चलो चलो। तुम अम्मी का जरा ख्याल रखना। रोई मत, अल्लाह खैर करेगा। भाभी, रोनी से कभी कोई मसला हल हुआ है क्या? आप दुआ करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के नादो का हिसार करें। अरे पता नहीं इस हाल में होगी मेरी नादो, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। न जाने अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ चली गई? पानी। अरे नहीं, जब तक मेरी नादो नहीं आ जाती मेरे अलग से एक घूंट नहीं उतरने का। नहीं नहीं राहिला, पागल हुई है क्या? अरे प्यासी मरेगी, पानी पी ले, वो तो गई अब नहीं आएगी। रानी मना किया है ना, मत रो, दुआ करो बस। जी मुझे तो कभी कहीं नहीं जाती, और आज आज तो वो हम सब जानते हैं कि वो सीधा घर ही आती है। नईम और नुमान वगैरह गए हैं ना, वो उसको लेके ही आएंगे। अल्लाह कहाँ चली गई मेरी बच्ची, मैं क्या करूँ? आप हौसला रखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चल वो आ गए। नुमान बेटा, अब तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। कल पुलिस वाले तो अजीब अजीब सवाल करते हैं, आपको पता। नहीं बेटा, मैं एक दोस्त इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, तुम लोग जाओ, वो हमारी मदद करेंगे, ये अब बहुत ज़रूरी है। कहें तो मैं भी साथ चलूँ? नहीं नहीं, आप यहीं रुकें, आपका यहाँ आना ज़रूरी है। मैं नीम के साथ जाता हूँ, रास्ते में सारे हॉस्पिटल देख लेगा। हाँ, पर वो एदी का सर्द खाना भी देख लेना बेटा, लावारिस लाशें वहां होती है। अल्लाह ना करे मेरी जिंदगी भी तुम्हें मिल जाए। कहां हो ना, तो आ जाओ वापस। मैं कहता हूं हम भी चल के देखते हैं, हैं? हम लोग आ रहे हैं। जाओ जरा घर का चक्कर लगा के आओ, घर खुला हुआ जी। वो ये कौन सी जगह है? पाकिस्तान में नहीं है? नहीं नहीं, वो मैं ना शायद गलत बस में बैठ गई थी, उतार यहाँ दिया है बस में, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं किस इलाके में हूँ। आपने जाना कहाँ है? मुझे नाजमाबाद जाना है, मगर ये कौन सी जगह है? नहीं ये शारदा सर्कल है, आपको नाजमाबाद के यहाँ से कोई बस नहीं। आप एक काम करें, तो ऑटो कर लें, देन आप नाजमाबाद चली जाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ पता चला? सारे हॉस्पिटल्स देख लिए, सबसे पूछ भी लिया है, मगर नादिया का पता नहीं चला। ये
रिपोर्ट कटवा दी जी। अब क्या करें भाई? वो रानी जरा फोन तो कर, पूछ जरा वासल से। मसला ये है रानी कि महल्ले की बात होती है कुछ और है? ये लड़की को इतने दूर स्कूल भेजना, वो भी रोज आना, अरे इतनी दूर जाने की इजाजत देना ही बहुत बड़ी बात थी। अम्मी फोन क्यों बंद है वासिल भाई का? कहीं कहीं सच में अच्छे बजे वासिल भाई के साथ तो नहीं? नहीं नहीं, मेरी अच्छी बजी ऐसा कर ही नहीं सकती। अल्लाह मियां बजे घर आ जाए, बस जल्दी से घर आ जाए। हेलो, मैं जमशेद टाउन थाने से बात कर रहा हूँ। अभी अभी जनरल हॉस्पिटल से एक एक्सीडेंट की इत्तला आई है, वहाँ पर दो लाशें लाई गई हैं, एक लड़के की एक लड़की की, और एक्सीडेंट सुपर हाईवे पे हुआ है जी। डेड बॉडी देखने में क्या अर्ज है, आप आके शनाख्त कर लें। जी मैम आ रहा हूँ। कहाँ चले गए ये लोग? फोन आया मेरी बच्ची खैरियत से हो? आप शनाख्त कर लें। प्लीज आप अपनी कोशिश जारी रखें। हमने टीमें चारों तरफ रवाना कर दी है, जैसे ही कहीं से कोई इत्तला आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।